नवाज शरीफ से कोटलखपत जेल में आज मुलाकात का दिन है। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए मरीम नवाज कोटलखपत जेल पहुंच चुकी हैं। जेल हुकाम के मुताबिक नवाज शरीफ से किसी निजी रहनुमा को मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। आज के दिन कोटलखपत में नवाज शरीफ से मुलाकात का रोज है और इसी पर हम बात करेंगे फहीम अमीन से। फहीम, बताएगा मरीम नवाज के अलावा कौन कौन उनके हमराह है और क्या वजह है किसी निजी रहनुमा को इजाजत क्यों ना होगी? बिल्कुल जी, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से सिर्फ नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए फैमिली के लोग हैं उन्हें ही इजाजत दी गई है और सिर्फ फैमिली के लोग ही मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आमतौर पर जब मरियम नवाज मुलाकात के लिए आती थी तो उनके साथ कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ की वालदा और खानदान के दीगर लोग होते थे, लेकिन आज सिर्फ मरियम नवाज और उनके साथ साथ सिर्फ अब्बास शरीफ की फैमिली जो है वो यहाँ पर कोटलखपत जेल पहुंची है मुलाकात के लिए। किसी भी मुस्लिम लीगी नून के रहनुमा को इजाजत नहीं दी गई यहाँ पर आने की और मुलाकात करने की, और यहाँ पर कोई मुस्लिम लीगी रहनुमा भी जो है वो जेल के बाहर जो है इजहार यकजहती के लिए जमा नहीं हुआ। इससे कबल जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा यहाँ पर आते थे, यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान भी आते थे, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पाबंदी लगाई गई है मुस्लिम लीगी नून के रहनुमाओं की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से, तो यहाँ पर रहनुमाओं की आने का सिलसिला जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। चंद एक कारकुनान यहाँ पर आते हैं जो कि मरियम नवाज की गाड़ी के आगे नारेबाजी करते हैं और मरियम नवाज के जाने और आने का इंतजार करते हैं। बस बहुत शुक्रिया फहीम, आपने अपडेट किया।